हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप्स अच्छे होंगे। जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस इन कमेंट आए कि सर बॉन्ड का हमें क्लियर कर दिए कि बॉन्ड जो है कहाँ से बनवाएंगे हम, और बॉन्ड बनवाना ज़रूरी है या नहीं है। जैसे दो बॉन्ड मैंने लास्ट टाइम जो एक बॉन्ड की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया था उसको। वो पूरा जो है मैंने बॉन्ड का पूरा हिंदी में भी जो था वो भी पढ़ के बताया था। देन उसके बाद जो ऑफिशियल आया था कि कितना बॉन्ड किस चीज़ में लगेगा, सीट लिविंग में, एंड देन जो बाद में जो आपको MBBS के बाद जो रूरल एरिया में सर्विस करनी पड़ती है उसका बॉन्ड बनता है। तो यहाँ दो बॉन्ड बनेंगे आपके, जिसके अंदर जो है आपको सर्विसेज जो करनी है बाद में, हर कैटेगरी वाइज जो है अलग आएगी। तो वो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी आपको। देन आप जाके सर्च भी कर सकते हैं प्ले लिस्ट में कि बॉन्ड की क्या वीडियो है, कि आपको सिनेरियो क्या चेंजेस हैं, कि आप OBC से हैं या ST से हैं, या आप जिस भी उस जनरल से बिलोंग करते हैं, या फिर आपने प्राइवेट से करा है या गवर्नमेंट से करा है, तो उसका सबका अलग अलग सिनेरियोज है कि आपको कितनी सर्विस देने पड़ेगी रूरल एरिया में जाके। रूरल एरिया में जो गांव साइड में जो है आपको जाके सर्विस देनी पड़ती है वहाँ पर, तो उन लोगों के लिए भी है जो डेंटल वाले हैं, उन लोगों के लिए भी है, एंड देन जो MBBS वाले, उन दोनों के लिए भी है जो बॉन्ड बनता है। देख पा रहे हैं जैसे कि जो आपको ये मिलेगा कहाँ से, जैसे आप देख पा रहे हैं कि DME की जो वेबसाइट है, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें लेटेस्ट अपडेट का जो आता है उसमें आप क्लिक करेंगे तो प्रोफार्मा खुलता है। देन प्रोफार्मा के अंदर अगर आप जाएंगे 12, 13 एंड 14 पेज, तीन पेजेस हैं लास्ट के सबसे, उसके अंदर बॉन्ड का पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर हिंदी में, आप देख सकते हैं। ये आपको पूरा जो है प्रिंट कराना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है, तो उसके अंदर पूरा अपडेट आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कि इसके अंदर जो है ये बंद पत्र यानी बॉन्ड लेटर होता है। इसके अंदर 0.5 जो प्रतिशत जो है इसका बॉन्ड की, जितनी भी बॉन्ड की आपकी राशि होती है उतनी आपको इसमें स्टैम्प लगाने पड़ते हैं। ये जो लगाते हैं ये नोटरीज में जाके आप लगवा सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो है 0.5 में आप समझ रहे हैं, मतलब आपका लास्ट टाइम जो बनते थे जैसे हम लोगों के टाइम में जो हमने बनाए थे, तो 10 लाख समथिंग का जो है बॉन्ड होता था, तो उसके 5,000 के समथिंग स्टैम्प लगते थे। अभी जो है आपका बॉन्ड राशि बढ़ चुकी है, 30 लाख समथिंग जो है हो चुकी है सीट लिविंग, तो 15,000 समथिंग जो तकरीबन जो है आता है अमाउंट, तो वो उसके स्टैम्प लगाने पड़ेंगे आपको। देन 5,000 का एक एक्स्ट्रा जो लगता है, जो जैसे 10 लाख रुपीज़ का समथिंग आपको सर्विस देना है, तो उसका 0.5 जो है 5,000, तो ये उनके लिए है जो रूरल एरिया में सर्विसेज करते हैं उनके लिए बॉन्ड। अच्छा, तो दो बॉन्ड इसमें बनेंगे, एक तो सीट लिविंग बॉन्ड बनेगा एंड देन सेकेंड जो बॉन्ड बनेगा ये आपका रूरल एरिया वाला बॉन्ड बनेगा। तो दोनों के बॉन्ड ने आपको देना पड़ता है। तो इसमें जैसे तकरीबन जैसे 0.5% आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो 30 लाख का जो 0.5% होता है वो 15,000 होता है, और देन जो होता है 10 लाख का जो 0.5% होता है 5,000 होता है। तो ये जब आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे सेकेंड राउंड में, तो कॉलेज वाले आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे वो भी वहाँ पर। तो ये मेन बस मोटिव ये था बताने के लिए आप लोगों को कि आप लोग स्टूडेंट्स को जितने भी समय साथ जुड़े हुए हों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए डिटेल ये बताना का ज़रूरी मैं समझता हूँ कि एक आइडिया रहे आपको कि आपको इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए बॉन्ड राशि के लिए। आप जाएं कभी भी सेकंड काउंसलिंग में बैठना जैसे जाके, तो आपके पास इतना अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए कि कॉलेज वाले आपसे कहें कि जो है बॉन्ड बनवाने जाना है आपको, तो वो आपको बता भी देंगे कहाँ बॉन्ड बन जाएगा। वो सब आपको कॉलेज में होते हैं ऐसे स्टाफ होता है जो आपको क्लियर बता देते हैं कि सर आप यहाँ से बॉन्ड बनवा लें या यहाँ से बॉन्ड बनवा सकते हैं। बस एक तो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ आते हैं कुछ स्टूडेंट के लिए कि इतना अमाउंट हमें चाहिए कि हम जाके बनवा सकें। फर्स्ट काउंसलिंग में तो जो है नीड रिक्वायरमेंट नहीं होती सीट लिविंग बॉन्ड की, जो होती है वो सेकंड काउंसलिंग में ही जाके होती है आपको। तो स्टूडेंट अगर सेकंड काउंसलिंग में अगर कॉलेज उठाने जा रहे हैं जैसे रिपोर्टिंग, तो वो टाइम लेके जाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक दिन का स्टूडेंट्स कभी कभी के टाइम लेके जाते हैं कि एक दिन में हम करके वापस आ जाएँ, तो इश्यूज़ हो जाएंगे। तो आप कम से कम तकरीबन मिनिमम जो है 2 दिन का टाइम तो आप लेके जाएँ कि फर्स्ट दिन आपने रिपोर्टिंग कर दी एंड देन सेकेंड अगर आपका बॉन्ड नहीं हो पाया, तैयार रेडी नहीं हो पाया, तो आपके पास एक टाइम जो एक डे आपके पास होना चाहिए पूरा कि आप नेक्स्ट डे जाके बॉन्ड करवा लें एंड देन जो है आप सबमिट कर दें, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस जो होगी काउंसलिंग की, जो एडमिशन का जो आपका प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाए। सो एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बॉन्ड आप इसमें जो है जल्दी मत करिएगा बॉन्ड बनवाने के, आप यहीं से बनवा के चले जाएँ अपने नेटिव प्लेस से, तो इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि जैसे प्राइवेट की बात करूँ तो हर कॉलेजेस की जो है शफल करती रहती है, फीस
कुछ कॉलेज की जो है 42,000 लैक समथिंग कुछ है, किसी की कुछ कम है। तो लास्ट टाइम एक कॉलेज में जो बना था वो 33,000 का बॉन्ड बना था, तो उसकी फीस के अकॉर्डिंग उसका जो है बॉन्ड बना था। तो ये शफल करता रहता है, तो ये बेस्ट यही रहेगा कि आप थोड़ा सा टाइम लेके जाएं जिस कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं आप। एक दिन में जो है आप जो वहाँ जाके जो सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, देन उनसे टाइम लेके अगर एक दिन में अगर बॉन्ड वो जो बताएं और कॉलेजेस वाले कि यहाँ से बॉन्ड बनना है और इतने अमाउंट का बॉन्ड बनेगा, तो जो भी है वो आपको कॉलेज जाके ही जो आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे। और बेस्ट भी यही रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि वहीं जाके जो कॉलेज वाले बताएं तो आप वहाँ पर बॉन्ड करके एक टाइम एक्स्ट्रा, मैं फिर से रिपीट करूँगा, एक एक्स्ट्रा टाइम दे के जाए लेके जाएँ आप। कि ऐसा नहीं कि आप सोचें कि पास में है तो मैं जो है एक दिन में वापस आ जाऊंगा। जब ज़्यादा पास में तो अप डाउन कर सकते हैं, ऐसा इश्यूज़ नहीं होता, बट जो स्टूडेंट दूर से आते हैं जैसे भोपाल साइड में नहीं कॉलेज मिल रहे हैं, और अगर कोई सतना वगैरह से आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इश्यूज़ आते हैं कि डिफरेंस होता है ट्रेन वगैरह का, तो टाइमिंग लेके आए तो ईजी रहेगा के बॉन्ड का। तो अभी बॉन्ड कुछ स्टूडेंट का आया था मैसेज कि सर हम बॉन्ड पहले से बनवा के ले जाएं, या फिर हम प्राइवेट कॉलेजेस के, तो स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज के तो बिल्कुल ही मना करूंगा कि शफल करती हैं फीस अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जो उनके 0.5 अब फीस के अकॉर्डिंग जो है उसका होता है चार्जेस, तो आप बिल्कुल नहीं करें ये चीज़। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप रिपोर्टिंग करने सेकेंड और काउंसलिंग में जब जाएँ तो वहीं जाके कॉलेज वाले बताएं तो आप बॉन्ड बनवा सकते हैं। और बात करें बॉन्ड बनवाना कैसे है, तो जितना जो भी यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं आप प्रोफार्मा में जाके के जो लास्ट के जो पेजेस हैं आपके 12, 13, 14 पेजेस, उसके अंदर जो है जितना लिखा है आपको ये पूरा प्रिंट कराना पड़ेगा। देन आपको फोटो लगेगी यहाँ इसके अंदर, और देन जो फिर आपको यहाँ स्टैम्प जो है वहाँ लगाना पड़ेगा।